अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को हज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। तो भाई कल हम जानवर ले आए थे, लेकिन कल तो वो काफ़ी गुस्से में था, तो मैं ना उसको प्यार कर सकी, ना उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकी। और कल अब ईद हो जाएगी, आज चांद रात है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तो बहुत ही सुकून से काम होके बैठा हुआ है। लेट मी शो। माशाल्लाह माशाल्लाह यार ये तो रो रहा है। हो सकता है कि ये कल इसलिए गुस्से में हो क्योंकि हमने इसको घर के बाहर बांधा हुआ था। इसने बोला मुझे मेरे घर से निकाल के लेकर तो आ गए, लेकिन मुझे घर के अंदर नहीं बांध रहे, घर के बाहर बांध रहे। हो सकता है ये इसलिए हमसे नाराज हो। प्यार करूंगी, खड़ा करना है इसको। पानी वानी पिया इसने? पानी पिला दिया बस। ये वैसे अजीम से अच्छे से टैकल हुआ है, देखो अभी भी गुस्सा कर रहा है। छोड़ दो अजीम, वो थका हुआ है, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो भाई। अभी ये अभी भी थका हुआ है, तो ये बैठा हुआ है शायद कल ये बहुत ज्यादा थक गया। हमने इसको काफी देर बाहर खड़ा करके रखा क्योंकि मट्टी जो है वो मिल नहीं रही थी हमें। तो भाई आज का प्लान कुछ इस तरीके से है कि जानवर वगैरह हमारा आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी हम रेडी शेडी होके खड़े हुए हैं। मैं सो के ही उठी थी, तो मैंने फटाफट से नाश्ता किया था, फिर मैं शावर लिया। अभी शायद हमारा प्लान है कि हम लोग बाहर जाएं, तो देखते हैं क्या प्लान है, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। समझ आ गया उसको भाई टेस्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अगेन शॉपिंग करने के लिए। एज यूजुअल हम लोग अपने लिए शर्ट्स वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। ओके जो कि हमें आउटफिटर से नहीं मिली, जो कि हमें कहीं से भी नहीं मिली। इतनी बुरी कलेक्शन आई हुई है, कुछ नया आया हुआ ही नहीं है, तो इंसान कैसे ले। तो इस वजह से उस दिन भी हम लोगों ने बस कुर्ते शलवार इस तरह से मतलब ना ले लिए थे कपड़े जो हम ईद पे पहन लेंगे। बाकी आउटफिटर्स पे भी कुछ अच्छा नहीं था, ब्रेकआउट पे भी कुछ भी अच्छा नहीं था। हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, वहाँ से हम लोग लेंगे, और कुछ कॉस्मेटिक्स है वो भी लेना है। पुरानी यादें ताज़ा करने आ गई हूँ अपने स्कूल की तरफ, और मुझे वो मेरा स्कूल दिख रहा है, सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल। जैसे सारा हमारा स्कूल है। हाँ आवाज कम करें म्यूजिक की। हाँ बहुत प्यारा और बहुत बड़ा यार। मुझे तो स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। यहाँ हमारी वैन्स खड़ी हुई भी हुआ करती थी, और ये पूरा एरिया पैक्ड होता था। वो बहुत मजे के फ्राइज बनाते थे, और उनका और ये वाली दुकान और इनका गली होती थी ना, इसमें सारे आशिक आते थे। A few moments later. हमारी शॉपिंग तो चलती रहेगी, बट हम लोग जासर की अब शॉपिंग करने आ गए हैं, क्योंकि जासर रोना शुरू हो गया था कि मेरे लिए तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। क्या बोल रहे थे? फुल बेहतरीन हो गया भाई, दो शर्ट एक पैंट और दो ट्रैक सूट भी आ गए। बड़ा अब खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अमन है। दो साल तक मत बोलने मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम? 150 रुपया देगा। हाँ बस ये शर्ट ही अच्छी लग रही है। मैं कपड़ों की इतनी कुछ खास कलेक्शन आई हुई नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या लें। हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा। मम्मा आप नहीं थकती शॉपिंग करके, है ना? मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो कहाँ से थकूंगी। जो बात है, मम्मा की कोई शॉपिंग नहीं हुई, मेरी और आयशा की और जासिर की ही शॉपिंग हुई अभी तक। झूठी, एक्सक्यूज मी, आपके साइज का नहीं है। अरे तुम शेर पे बैठ जाओ आयशा, सबसे छोटा वाला। अरे मर जाएगा वो पागल, इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। हाँ आपने रोना नहीं है, आपके लिए दो ड्रेस हो चुके हैं, बाकी आपको कितने चाहिए? तो जल्दी आयशा मामा पैक करवा दो।
मम्मा कह रही है आज मैं लारिफ के ब्लॉग में कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन जब पैसे आने लगेंगे ना तुम्हारे ब्लॉग से, फिर मम्मा ही बोला करेंगी जल्दी जल्दी ब्लॉग बना। अबे साले, मम्मा सुन रही हो क्या बोल रही है आयशा? जैसे तुम मेरे ब्लॉग में क्या अपने दांत निकालते हुए घुसते हुए आ रहे होते हो, टाइम का एड लेना चाहता है ये आप लोगों से। भाई साहब मैं तो बहुत थक चुकी हूँ और यहाँ बैठने की जगह भी नहीं है, तो मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। क्या हुआ, टूट रही हैं टांगे? अभी भी मेरे पास इतने काम पड़े हुए हैं। क्या काम? कॉस्मेटिक्स, सौदा घर का एंड मम्मा की डिवाइस लेनी है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ओके सो मम्मा आपकी शॉपिंग भी हो चुकी है पूरी। ले रहे थे, याद है तुम्हें? यस याद है मुझे। हाँ, अब आपकी शॉपिंग हो गई है, अब आप चल लो, हम बहुत थक चुके हैं। क्योंकि अब चलो चल लो, फिर मैं शाम में वापस आ जाऊंगी, मुझे जूते लेने। मुझे भी लेने शूज, बल्कि अभी ले लेते हैं चलो। गाइस हमारी बहुत ज्यादा शॉपिंग हो चुकी है, ये देखें इन लोगों की हालतें बुरी हो गई हैं। आप खुश हो तुम वैसे बाय द वे? और अच्छा ठीक है, अब हम लोगों ने सिर्फ इसके कहने पे और जासी के कहने पे कि हम बहुत थक गए हैं बस कर दो, तो हमने कहा था चलो बस कर देते, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा है। अब उसकी शॉप तो नीचे थी ना, वहाँ से देख लेंगे, अगर समझ में आएगा तो ले लेंगे बस। थक के चूर होके अब हम लोग फूड कोर्ट में आके बैठे हैं, कुछ पी लें ताकि थोड़ी एनर्जी हमारी रिचार्ज हो जाए। सौदा लेना है जी, मुझे आयशा ने बता दिया क्या क्या लेना है। जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं बचा। डंकिन का जो न्यू आया है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक लाते, मैं वो ट्राई करती हूँ, मेरा बहुत दिल करा था तो मैंने वो लिया है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पिया है ना, तो आप लोग मत ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। हमारी शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के फोन के कवर्स वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा अब हम लोग निकले हैं तो साथ में कवर्स वगैरह भी करवाते ही चले हैं। तो ये भी शॉपिंग है, मुझे अपनी डिवाइस लेनी है। अरे तो डिवाइस शॉपिंग में नहीं आती, वो तो दिलाएंगे ना आपको। मॉल से निकल के चलते चलते पार्किंग में आते आते मेरी तो हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। 20 मिनट्स लेटर तो भाई फाइनली एक मॉल से फ्री होने के बाद अब हम लोग दूसरे मॉल आ चुके हैं। यहाँ से हमें कुछ अपनी कॉस्मेटिक्स वगैरह लेनी थी। यहाँ पे स्किन केयर के इतने मजे मजे के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लिटरली ना कॉस्मेटिक एक ऐसी चीज़ है जो आप देखते रहो, आपका दिल करता है आप बस लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बट ऐसा नहीं करना है हमने। 10 मिनट्स लेटर हमारे तकरीबन सारे काम हो चुके हैं, बस दो इम्पोर्टेंट काम रह चुके हैं। एक तो हमें ग्रोसरी करनी है थोड़ी सी, और दूसरा हमें डिवाइस लेनी है मम्मा की। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं, देखते हैं हम कब तक फारिग होता है। निकले थे उस वक्त सुबह हो रही थी, रोशनी हो रही थी, दिन हो रहा था, और अब तो दिन खत्म होने वाला है, अंधेरा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हमने निपटा लिए हैं। वी आर डन विद शॉपिंग, वी आर डन विद ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग। नहीं नहीं बस सब हो गया। ये मैंने अपने लिए ग्रेप्स छोटी छोटी क्यूट सी खुबानी है, मैं घर जाके खाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हमने फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह सब ले लिया है। हेलो क्यूटी, सॉरी यार हम तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। माय गॉड, घर आ चुके हैं हम लोग और मैं बहुत थक चुकी हूँ, बट स्टिल अभी हमारे थोड़े से काम है जो कि रहते हैं, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये तो फैक्ट है। अभी तक मैं सैलून तक नहीं गई हूँ, मेरी कोई सर्विसेज नहीं हुई हैं, मुझे मेहंदी तक नहीं लगी है। चलो भाई आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अबान वो तुम्हें ना एक ही मारेगी और तुम उड़ते हुए जाओगे, लेकिन अबान को भी बहुत शौक है ना जानवरों का, इसलिए ये छन छन सुनते हैं ना, तो बस इसको भी हो रहा है कि मुझे खोलो। ये भी कल ऐसे ही हो रहा था। अबान 346 मिनट्स लेटर पूरी मंडी जो है वो खाली हो चुकी है, अब हम लोग बकरा कहाँ से लेंगे मम्मा? बेटा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। है आजम खड़े हुए थोड़े से, आज चांद रात है और इस वक्त एक बज रहा है, और हमने कहा है कि फटाफट से चलते हैं और चल के बकरा उठा लेते हैं। इतनी बुरी गंदी संदी हालत में हम ऐसे ही पड़े हुए थे, हमने कहा था चल के बकरा उठा लेते हैं, और बकरा मंडी पूरी खाली हो चुकी है। बकरा पूरी की पूरी। कौन सा पसंद आया तुम लोग को? ये वाला ये पसंद आया था। कैसे भाग रहे? अरे वो कैसे?
अच्छा, लेकिन ये वाला नहीं, ये बकरा बहुत शरारती है भाई। ये लो ना, ये देखो ये देखो, इनकी शरारत खत्म हो गई। ये देखो यार, ये तो एक दूसरे को जख्मी कर देंगे मार मार के। जानू बेबी इज स्लीपिंग और रो भी रहा है यार। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह बकरा ईद हो जाएगी, सुबह का एक अलग व्लॉग शूट करना है और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और इंशाल्लाह सुबह उठूँगी और फिर आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।